अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केट और बस रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर बैठी हैं इनाया और यहाँ देखिए मैं आपको एक मतलब क्लिप दिखा रही हूँ जो मैंने आलिया को तैयार करने से पहले बनाई थी। तो यहाँ देखिए इनाया हो गई है रेडी और मुझसे बोल रही हैं कि चलो। तो जब तक आलिया आ गए, आलिया नीचे थे अपनी पप्पी के पास, तो उनको मैंने अभी रेडी नहीं किया था। तो वो बोल रही थी कि नहीं तुम नहीं जाओगी, और आलिया उसको प्यार करने के लिए गई थी, लेकिन इन्नू ने देखो गुस्से में उसको धक्का दे दिया और धक्का देखे गुस्सा होकर जो है अपने चाची के रूम में जा रही हैं और मतलब उससे गुस्सा हो गई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मार्केट और यहाँ देखिए बस इस टाइम पर यहाँ पेड़ वगैरह पौधे जो है बेचने के लिए आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ आ गए सबसे पहले हम पिक पैक पर, यही शोरूम है हमारे यहाँ पर, दो चार गिने चुने तो उन्हीं पर हम आते हैं हर बार लेने के लिए। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले इसी पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ देखिए ये भैया जो है सैनिटाइज़र दे रहे हैं। तो बस ये आजकल रूल हो गया है कि शोरूम में एंटर होने से पहले ही अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लें। तो बस ये सबसे पहले यही मिलता है मार्केट में एंटर होते ही। तो मैंने सोचा चलो पहले यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है चाहे शॉप हो चाहे कोई भी शोरूम हो उन पे माल आ ही नहीं रहा है। तो जो पहले का रखा हुआ है वही चीज़ें मतलब देखने को मिल रही हैं। तो बस इसीलिए बहुत मुश्किल हो रहा है कोई भी चीज़ को जो है डिसाइड करना। तो यहाँ देखिए बच्चे खड़े हुए हैं और मैंने बस बोल दिया है तो भैया निकाल रहे हैं। तो उन्होंने जो भी ड्रेस दिखाई है वो मैं पहले ही देख चुकी हूँ, और मतलब मैं बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे कि मैं क्या लूँ, क्योंकि जो ड्रेस है पहले की दिखी हुई है। मैंने बोला भी था भैया से कि जो ड्रेस है मैं एक साल से देख रही हूँ वही ड्रेसें रखी हुई हैं, कुछ ड्रेसें चेंज हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। तो यहाँ देखिए उन्होंने काफ़ी सारे ड्रेसें निकाली हैं। ये देखिए ग्रीन ड्रेस भी आपने देखा होगा पहले के ब्लॉगों में भी मेरे है ये वाली। क्योंकि अब जो जो चीज़ें हैं वो हमने देखा था कि चलो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, और ये वाली ड्रेस भी देखो ये भी पहले के ब्लॉगों में है। तो मैंने वही बोला इन ड्रेसों को देखकर कि ये वाले ड्रेस में पहले ही देख चुकी हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है क्या, कोई नया पैटर्न हो, तो नहीं था। तो फिर हम वहाँ से जो है वॉच की शॉप पर आए हैं। तो यहाँ वॉच देख रहे हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों ने बोला था ना कोई ने वॉच दे दो, ड्रेस दे दो, पर्स दे दो, तो उस मैंने यही ध्यान में रखते हुए मैंने कि चलो देखते हैं जो चीज़ अच्छी लगेगी ना वही ले लेंगे। तो यहाँ मैं वॉच की दुकान पर आई हूँ, लेकिन मुझे कुछ खास डिज़ाइन पसंद नहीं आए, और मतलब गिने चुने डिज़ाइन थे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं लग रहे थे। तो इसलिए मैं ट्राई मारा मैंने, लेकिन मैंने सोचा अच्छा लगेगा तो मैं वॉच ही दे दूँगी। मैंने भी वॉच ही सोची थी कि मैं कुछ अच्छे सा डिज़ाइन में कुछ न्यू डिज़ाइन होगा तो मैं वॉच ही लेकर आ जाऊँगी, लेकिन नहीं मिली मुझे वहाँ पर कोई भी अच्छा। तो बस फिर मैं आई हूँ पर्स की दुकान पर, तो यहाँ मैं पर्स भी देख रही हूँ। मतलब जिसकी भी दुकान पर जा रहे हैं, जिस भी शॉप पर जा रहे हैं ना, वो यही बोल रहा है कि यही माल है जो भी है, क्योंकि माल ही नहीं आ रहा है ना ही हम लेने जा रहे हैं, तो इसलिए जो पहले का रखा हुआ है वही है। तो बस और फिर क्या, छोटी सा ही हमारा शहर है, तो जो भी दुकानें आप लोग पहले देख चुके हैं वही दुकानें हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारे कुछ दुकानें ऐसी हैं मतलब फेवरेट दुकानें हैं कि हम उन्हीं पर से जो है शॉपिंग करते हैं। तो जैसे कि ये पर्स की दुकान है, इन पर भी हम पहले से ही लेते हैं, और पिछले साल भी मैं अपने लिए जो पर्स ले गई थी इन्हीं से ले गई थी, अभी मैंने बीच में भी एक पर्स लिया था। तो यहाँ देखिए बड़े पर्स में देख ही रही थी, आलिया को ये पर्स दिख गया तो हमने फिर इसमें से एक बच्चों के लिए पर्स लिया है, और इन्होंने लिया तो आलिया के लिए था लेकिन इन्नू ने उसको छोड़ा ही नहीं है। और मैं यहाँ से बच्चों के लिए
क्लिप वगैरह ले आते हैं, क्योंकि इन पे सबसे ज़्यादा अच्छे इन पे ही मिलते हैं। रेंज भी बहुत अच्छी रहती है और अच्छे भी बहुत रहते हैं। तो बस यहाँ से जो भी ड्रेस मुझे पहनानी है उसी की मैचिंग से मैंने यहाँ से क्लिप वगैरह लिए हैं, और हेयरबैंड वगैरह सारे मैं यहीं से ले आती हूँ क्योंकि इन पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो वहाँ से मैंने शॉपिंग की है, और वहाँ से आने के बाद फिर ये शोरूम था जिसपे से हमने बुलबुल की सगाई के टाइम पर भी शॉपिंग की थी। यहीं से सगाई की ड्रेस हमने यहीं से ली थी, और मैं भी इनाया की ड्रेस ले गई थी ना यहाँ से, आप लोगों ने देखा भी होगा ब्लॉग में। तो बस फिर लास्ट बचता यही शोरूम, तो मैं यहाँ आई हूँ। तो यहाँ भी मैं ड्रेस देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ बस दो गलियाँ हैं। मैंने हमेशा आपको दिखाया है कि बस दो तीन गलियाँ हैं, और शोरूम भी गिने चुने हैं। एक ये है, एक पिक पैक है, और एक और है, मतलब ऐसे तीन शोरूम बड़े हैं बस हमारी नज़रों में, यही बड़े हैं हमारे शहर के मुताबिक। तो यहाँ उन्होंने जो है चार पांच जो पैटर्न है वो दिखाए हैं, और मतलब जो है यही है बोलने लगते हैं कि बस यही है और नहीं है। तो बस मतलब रह जाते हैं, अब क्या करें क्या लें। तो यहाँ पर जो है, और यहीं से मैंने अपनी भी ड्रेस ली है, और आप देख सकते हैं ये वाली ड्रेस जो दिखा रहे हैं ना, यही मेरी ड्रेस है। और ये वाली ड्रेस मैंने पसंद नहीं की है, इन्होंने ही पसंद की है। मैं तो बुलबुल के लिए देखने आई थी, मेरा अपना कोई वही नहीं था, लेकिन इनको जब जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, बस ये बोलते ले लो तुम। तो देख सकते हैं प्यारी तो बहुत लग रही है, सिंपल सोवर है लेकिन बहुत प्यारी लग रही है और अच्छी भी लगती हैं। और यहाँ देखिए आलिया इनाया को भी पसंद आ रही है, तो मैं बोल रही थी कि मेरे पता नहीं ये कलर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और यहाँ देखिए इनको चिल्ला रही है मानी मानी मानी। तो बस मैं यहाँ पानी पिला रही हूँ, और वो चाह रही थी कि बोतल मुझे देने, और फिर वो क्या करती है इस बोतल को पिचकाती है तो उससे क्या पानी ऊपर फैलता है। तो फिर मैंने उसको बोतल नहीं दी है, और आलिया बोली मुझे भी पीना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं पिला रही हूँ। और इसको तो बस हर बार बस पानी ही चाहिए रहता है। और आज इतनी गर्मी थी, इतने टाइम बाद हमारे यहाँ धूप निकली है इतनी तेज़ वाली, बहुत ज़्यादा मतलब हालत हम लोगों की ख़राब हो गई थी बिल्कुल, गर्मी टोटली। चलो शोरूम के अंदर आते हैं तो एसी वगैरह चलते तो ठंडा लगता है। और ये मुझसे बोल रहे थे तुमने भी पी लिया पानी, मैंने कहा हाँ प्यास लग रही है बार बार, और नॉनवेज वगैरह खाना तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो घर से नॉनवेज खा के आए तो और प्यास वगैरह ज़्यादा लग रही है। तो बस मैं अभी देख रही हूँ, डिसाइड कर रही हूँ। और जब हम किसी के लिए गिफ्ट पसंद करते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ ये इन्होंने दिखाया है एक ड्रेस जो है खादी कपड़े में, ये मैंने गाउन जो है खादी कपड़े में पहली बार देखी है। घेर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल प्योर सूती खादी कपड़ा है ये, देखने में भी लग रहा है ना आप लोगों को, लेकिन मैंने रियल में देखा है। क्योंकि ज़्यादातर गाउन वगैरह तो ऐसे होते हैं बनारसी वगैरह कपड़े में, तो उससे गर्मी बहुत लगती है, लेकिन वो बिल्कुल सूती थी। तो वहाँ से मैंने शॉपिंग की है, और बस वो पैक करके रख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि जीसान के लिए मुझे जींस लेना था, क्योंकि उसके जो भी सारे जींस थे उसने पहन लिए हैं तो पुराने से हो गए हैं। तो अब दो दो पार्टियाँ हैं, मतलब बुलबुल का ही बर्थडे है और इनाया का भी, तो मैंने चलो उसके लिए जींस ले लेती हूँ, क्योंकि टी शर्ट तो मैं उसके लिए ले ही गई थी, तो बस उसको जींस चाहिए था, तो इसलिए मैं इनकी और कहाँ जाएँगे, इनके जो है ऊपर की साइड जो है जेंट्स के कपड़े हैं, तो वैसे यहाँ से मैं जेंट्स देख रही हूँ उसके लिए। और मुझे जेंट्स कपड़ों में कोई भी मतलब समझ में नहीं आता है, मुझे उन लोगों के जेंट्स जो है एक जैसे लगते हैं, ना ही कोई डिज़ाइन पैटर्न कलर वगैरह, बस यही रहते हैं, तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है। तो बस वहाँ से मैंने ले लिया है जेंट्स वगैरह जो भी मुझे शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर मैं आई हूँ चूड़ियाँ देखने के लिए, तो चूड़ियाँ तो मुझे कुछ खास नहीं लगी, ना ही कंगन, फिर मैंने सोचा चलो पार्टी को या पहन लूँ जो घर में रखा है, लेकिन मैं आलिया के लिए पूछ लेती हूँ कुछ हो तो बता दो।
तो ब्रेसलेट लिया है एक। तो बस हम लोग घर आ गए थे बहुत देर पहले और बस अब यहाँ हो रहे हैं रेडी। तो मैंने अपना फेस मेकअप कर लिया है, उसके बाद मैं कर रही हूँ आलिया को तैयार, क्योंकि मेरे फेस मेकअप में ही थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि धीरे धीरे करते हैं, सोच सोच करते हैं क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, तो इसलिए। तो बस यहाँ मैं अब आलिया को रेडी कर रही हूँ। और हम लोग गए थे थोड़ा से लेट क्योंकि मार्केट से आए, फिर नहाया, आराम किया, क्योंकि गर्मी में बहुत थकावट हो जाती है, तो इसलिए बहुत थकावट सी लग रही थी तो लेट गई थी। तो बस इसीलिए हमें बहुत लेट हो गया, 7:30 बजे से मतलब तैयार होना शुरू हुए। और आप लोगों को पता है लेडीज़ों का मेकअप कितना टाइम लेता है, इसीलिए मैंने पहले फेस मेकअप कर लिया, फिर साथ में बच्चों को भी तैयार करना तो और टाइम लग जाता है। और जो भी गिफ्ट है मैंने आप उसे शेयर नहीं किए हैं, वो आप लोगों को बुलबुल के ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगे क्या दिया है, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगी तो फिर उसको सरप्राइज़ का कुछ वही नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता ही चल जाएगा पहले से ही, तो इसलिए। और बस यहाँ पर जीसान आ गए तैयार होके, और यही जींस है जो जीसान चेंज करके लाया, मैं लाई थी वो उसको पसंद नहीं आया, और वो दोबारा गया दुलाई के साथ और लेकर आया। तो बस यहाँ पे मैं आलिया के थोड़ा सा लाइनर लगा रही हूँ। और ये देखिए इन्नू सो गई थी तो इन्नू को उठाया है ना, तो वो रो रही हैं, तो बस मैंने उठा के उसको नहाकर, वो सोई थी, नहला देते मैंने मार्केट से लाकर, तो बस मैंने उसके बाद उसको सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और जूतियाँ पहना दूँगी उसको, और मैंने अपनी गाउन पहन लिया। सब लोग तैयार हो गए हैं, बस मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ, और ये बैठे हुए हैं तो अपने जूते पहनने हैं। और यहाँ देखे मैं नाया के क्लिप लगा रही थी लेकिन उसने नहीं लगाया, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, बहुत देर हो रही थी, पापा चिल्ला रहे थे, 9:30 बज गए थे हमको यहाँ पर ही। और ये देखिए इन आलिया भी हमारी बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में, और ये कि इन लोगों को सिर्फ पर्स से ही जो है मतलब पर्स ही उसको पसंद आ रहा था, तो वो पर्स को ही ले जा रही थी ये पर्स लेके जाना। और यहाँ देखिए मैं जा रही थी तो जल्दबाजी मतलब पूरा लुक नहीं, मेकअप कुछ नहीं दिखा पाया था सही से, तो ये बोल रहे थे थोड़ी सी पूरा दिखा तो दो कैसे, लेकिन मैंने कहा ठीक है लो जल्दी से ले लो। और आप रूम की हालत देख सकते हो, बहुत खतरनाक हो रही है, लेकिन मैंने सोचा मैं आके सही करूँगी। और यहाँ देखिए मैं होटल में आ गए हम लोग, लेकिन मैं जो है अपना मेकअप वगैरह नहीं दिखा पाई थी ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ के सारे कुछ वीडियो जो है आपको बुलबुल की वीडियो में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बर्थडे उसका है तो वीडियो भी उसकी होगी पूरी पार्टी की, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और यहाँ देखिए बच्चों की मस्ती चली तो बस थोड़ा सा यही लिया है। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं लौट कर, और टाइम हो गया है 11:45 बज गए हैं, और हम लोग यहाँ से गए थे 9:30 बजे। और उस टाइम पर हम जो है बात ही नहीं कर पाए बिल्कुल भी, ना ही मैं दिखा पाई कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, तो क्योंकि उस टाइम बहुत जल्दी हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पर जो है होटल वगैरह बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, तो इसलिए हमने कि इतनी दूर जाए और लौट कर आए, तो इसलिए हम जल्दी तैयार होके और चले गए थे। तो ये वाली गाउन है जो ये दिलाकर लाए हैं बहुत ज़बरदस्ती, तो हम तो गए थे बुलबुल का गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन साथ ही में इनको मतलब ऐसा रहता है कभी कोई चीज़ पसंद आ गई चाहे बच्चों का हो चाहे मेरे लिए हो, तो मैं मना कर रही थी क्योंकि मैंने कल ही पसंद करके रख ली थी कि मुझे क्या पहनना है, लेकिन ये वाली बात है ना, दिल की मानता नहीं मानता नहीं कि अच्छा, तो इसीलिए ये वाली गाउन मैंने पहनी है, ये आज ही इन्होंने दिलाई थी। और इसके साथ मैंने ये वाली नेकलेस, और जल्दी जल्दी मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बस बच्चों के अब कपड़े वगैरह चेंज कराएंगे, और रूम की हालत देख सकते हैं क्या हालत हो रही है। और जीसान अपना वही न्यू जींस पहन के गया था, ये टी शर्ट जो पहले लाई थी वो पहन के गया था, और ये जींस मेरे साथ गया था ना वो नहीं है, ये चेंज करके लाई थी, जो मैं लाई थी वो इसको पसंद नहीं आया। ओले तो चलिए रूम कर लेते हैं, क्योंकि जब तैयार होते हैं और जब जल्दी होना तो बस ऐसे ऐसे पटक पटक के चले जाते हैं। और ये देखिए हमारी मैडम उनको सो रही थी, ये पर्स लेके आई है, इन्हें ये पर्स छोड़ा ही नहीं है, ये पर्स लेकर आई, इन्हें ये छोड़ा ही नहीं है, बल्कि आलिया के लिए था लेकिन लिया इनने। तो बस अब कर लेते हैं कपड़े चेंज, गर्मी लग रही है, और आज इतनी गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी आज, बहुत भयंकर हालत हो गई खराब, लेकिन बस हाँ वहाँ अच्छा लगा। तो ये हमारी आलिया है, आपने देख लिया भी है, और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, ये आज ही मैं लेकर आई थी, अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल मैच खाया है ना, अंदाजे से लेकर आई, काले काले दिख रहे, काले काले दिख रहे, वो काजल है, लाइनर फेल गया, अब मम्मी आप बता दो यार गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही, बस आने की अच्छी लग रही ना, बहुत ये आज तीन का डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है ना।
बहुत अच्छा डिजाइन लगा इसका। जल्दी में कुछ भी नहीं दिखा पाई ना बच्चों को, दिखा पाई ना खुद। और मैंने जो है ना अपना आई मेकअप ये वाला किया था, ये देखिए अब तो पसीने में धुल गया है, लेकिन उस टाइम पर अच्छा लग रहा था, अभी भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऊपर मैंने ऑरेंज सेट रखा है क्योंकि इसमें ऑरेंज कलर है ना, और ये वाला ब्लैक वाला रखा है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है। चलिए रूम को कर लेते हैं साफ, कपड़े कर लेते हैं चेंज। तो बस यहाँ पे हमने कुछ फोटो क्लिक की थी, वो मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ, तो बच्चों के साथ इनके साथ। और बस इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।